वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। और आज हमारा काफ़ी बढ़िया प्लान है। आज है हमारा 20 तारीख और काफ़ी अच्छा प्लान बना है आज हमारा स्पाइडरमैन नो वे होम देखने का, जिसका मैं बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। बट हमें टिकट मिली नहीं क्योंकि टिकट यहाँ पर आसपास में काफ़ी ज़्यादा महंगी थी और अभी इतने अमीर भी नहीं हुए कि हम टिकट खरीद लें इतनी महंगी टिकट। सो अभी टिकट सस्ती हुई है, आज मंडे है तो काफ़ी, मतलब आज पाँचवा शो है, मतलब रिलीज होना 16 तारीख थी, आज 20 तारीख है तो छठा या शायद पाँचवा शो है, सॉरी। तो आज टिकट सस्ती हो गई तो आज प्लान बना है हमारा, मतलब प्लान कल ही बन गया था, टिकट हमने कल ही ले ली थी ऑनलाइन। तो आज जाएंगे सुबह 10 बजे की है टिकट और 10 बजे मूवी देखने जाएंगे। अब फटाफट से फ्रेश होऊंगा, उसके बाद जल्दी निकलेंगे क्योंकि जगह भी काफ़ी दूर है, तो जल्दी से फ्रेश होकर निकलते हैं। इतने दिनों से मतलब रिलीज हो चुकी है मूवी तो मैंने अपने आप को स्पॉइलर से बचा के रखा है, ऐसा तो कभी वैसे मेरी नींद खुलती नहीं और आज 5:30 बजे उठ के बैठ गया मैं। बड़ी गंदी बात है यार, जब मेरे को मॉर्निंग वॉक जाना होता है या दूसरे काम के लिए जाना होता है जो जरूरी होता है मेरे लिए, उसके लिए मैं जगता नहीं। और पता नहीं मूवी के लिए पता नहीं कौन सी अटैचमेंट बहुत है यार मूवी से, ये गलत है, अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ से। हाँ काम करना चाहिए बट अटैचमेंट के साथ नहीं, उससे थोड़ी सी दूरी बना के रखना ताकि अगर वो चीज़ ना हो तो हमें थोड़ी सैडनेस ना हो, दुख ना हो, क्या करें। सो गाइस बीच में मेरी थोड़ी थोड़ी आदत है प्रवचन देने का, तो थोड़ा थोड़ा सहन कर सकते हो। और वैसे भी उस वक्त मैं सुबह सुबह उठा था तो सुबह सुबह इंसान को क्या पता चलता है वो क्या बोल रहा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, देखो यहाँ पर घोड़े बेच के सो रहा है, ये भूली है कि आज स्पाइडरमैन नो वे होम देखनी है। फ्रेश मैं हो चुका हूँ, ब्रश भी कर लिया मैंने, अब सिर्फ नहाना रहता है, उससे पहले एक काम रहता है इसको करने का। चकाचक हो गए, देख सकते हो ऐसे घर में हम, ऐसे टाइलों पर हम अपना फेस देख सकते हैं, शीशे की जरूरत ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि आपको पता जैसे 14 दिसंबर को हमारी गीता जयंती थी और ये पूरा जो महीना होता है, इस पूरे महीने में दिसंबर के महीने में हम गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम और बाकी जितने भी इस्कॉन टेम्पल में जितने भी डिवोटीज हैं और काफ़ी लोग जो कृष्ण के प्योर डिवोटीज हैं वो भी। तो इसी उपलक्ष्य पे हमें भी थोड़ा टास्क मिला था तो जिसमें हमने भगवत गीता मंगवाई थी, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो मैंने तो अपना एफर्ट डाला, बाकी तो कृष्ण की मर्जी, ठीक है। तो कृष्ण की वजह से आज हम 10 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर पाए और इसको हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी है, कम से कम 10 तो कर पाए। पहले तो मैं एक कार्टन में रहता, एक कार्टन में कम से कम 32 भगवत गीता होती है, बट चलो मैंने 10 करा वही बहुत है। सो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ और कपड़े भी पहन लिए मैंने, तैयार भी हो गया और अब टाइम है पूजा करने का, फिर पूजा करके निकलते हैं। विष्णु पदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, सो अब मैं रेडी भी हो चुका हूँ, पूजा भी कंप्लीट हो गई, अब सिर्फ जाना है हमें नो वे होम देखने। अब बारी है कुछ थोड़ा कुछ पेट पूजा करने का क्योंकि सुबह सुबह तो खाने के लिए मिलेगा नहीं। तो आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैं निकल जा यार, पन्नी में पैक कर लियो बना करके, क्या वही तोड़ तार के उसमें कुछ मिक्स मिक्स करके बना लियो, तो मैं और गंगा वही। तो ये हैं चटपटी कचौड़ियाँ जो मैंने कुछ दिनों पहले बनाई थी। तो यहाँ पर मेरा एक हिडन टैलेंट बाहर आता हुआ, माय गॉड। मास्क ले लेते सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मोदी जी ने भी कहा है। ऑल रेडी। ये हमारे एरिया का अंगूरी मंदिर है, बड़ा प्यारा मंदिर है यहाँ पर। अब मैं देखो
अपने इंटरेस्ट की चीज़ दिखाता हूँ जो बहुत बेस्ट है। यहाँ पर राधा कृष्णा, ये पूरा जब पेंट होता ना पूरा देखा था मैंने, उस समय वीडियो तो नहीं बनाया था, बट आप देख सकते हैं दामोदर अष्टकम लीला हमारे। और यहाँ से वो मेरी देखेंगे माता श्री भी आ चुकी हैं, और यहाँ से जल चढ़ाने के बाद डायरेक्ट हम निकलेंगे मूवी देखने के लिए। अब यहाँ चल रहा है बस स्टैंड पे वेट, पहुँच गए और आप देख सकते हैं ऋषभ भी है साथ है। इसमें हमने थोड़ा सा ट्राई करा, मतलब मूवी से पहले हमने कुछ खाने था, सोचा थोड़ा कचौड़ी खा ले जो पैक करा था। सो यहाँ पर हम आ चुके हैं, तो अब यहाँ चेकिंग होगी, उसके बाद यार वेट नहीं हो रहा यार, जल्दी चलो अंदर। भाई निकल तो दिखा दो। तो जब तक इंटरवल होता है हमने सोचा थोड़ा बाहर घूम लेते हैं, कैसा है देखते हैं नज़ारा। तो यहाँ पर ये मूवीज लगी है नेक्स्ट। रिव्यू देने का टाइम, और रिव्यू कुछ इस प्रकार होगा। वैसे तो आपको पता चल गया होगा क्योंकि काफ़ी दिनों बाद ये व्लॉग डाल रहा हूँ मैं, और क्योंकि एडिट करने में थोड़ा टाइम लग गया था, और भी तो बहुत सारे काम होते हैं ना मेरे पास, तो उसके लिए टाइम नहीं था मेरे पास। तो मैं ये व्लॉग एडिट करके डालूंगा, और रिव्यू आप समझ गए होगे। वैसे आप भी यूट्यूब देखते होगे तो आपको पता चल गया होगा कितनी बेस्ट मूवी है नो वे होम। मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, मतलब पिछले स्टार्टिंग के 5 स्पाइडरमैन के विलन, पहला तो ये बहुत बड़ी बात, उसके बाद मल्टीवर्स, उसके बाद कुछ और, उसके बाद कुछ और, उसके बाद कुछ और, स्पॉइलर नहीं दूंगा मैं, बट जो भी थी बहुत बढ़िया मूवी थी, बहुत मज़ा आया हमें। बट आसपास हमें थिएटर नहीं मिला तो हमें काफ़ी दूर जाना पड़ा कम पैसे के लिए, क्योंकि एक बात है, अगर जो ये कहता है ना कि ये एंड गेम जितनी बड़ी मूवी है, हाँ इतना रीच तो गई है इसकी एंड गेम जितनी, और काफ़ी कमाई भी करी है इस मूवी ने, बट एंड गेम के बारे में ऐसा नहीं भाई साहब। एंड गेम जो मूवी थी ना झकास थी, बहुत ज़बरदस्त थी एंड गेम। तो एंड गेम अलग, एंड गेम का तो इससे कंपैरिजन है ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि बाकी मूवी से तो बहुत बढ़िया थी नो वे होम, बट एंड गेम से नहीं पर्सनली ले सकता अगर एंड गेम के बोला किसी ने कि एंड गेम इससे कम है, ठीक है, तो बस एंड गेम बढ़िया थी, बट नो वे होम भी कम नहीं थी, जबरदस्त थी, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, क्या ही बोलूँ मैं, है ही नहीं मेरे पास शब्द, क्या बोलूँ मैं। अब मैं चलता हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ यार, नहीं बोल सकता मैं। सबसे पहले एक और काम करना है, हल्दी वाला दूध कोरोना वायरस से बचने के लिए मोदी जी ने भी बोला है पीना पड़ेगा, वरना भाई चप्पलों से पीटेंगे मोदी जी, वो भी सीख वाले। सो आज का ये व्लॉग यहीं तक, और वीडियो एंड करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा जो हर कोई बोलता है, सब्सक्राइब, शेयर भी कर देना, कमेंट और लाइक भी। अब हुए ना खत्म। अरे वो बैग कुर्सी पे रख दे पापा का। यार कोई ट्रिक बता यार जिससे YouTube चैनल चल सके। सोच रहा हूँ सब्सक्राइबर को कसम वसम चढ़ा दूँ। सुबह सुबह बताऊँगा। अबे भाई वीडियो ना हो वायरल ना हो जाऊँ।